हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्टाइल क्लासेस गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो डेली बेसिस पे जो करेंट अफेयर आता है उसके बारे में। तो ये करेंट अफेयर आपको मैं कवर करूंगा, इसमें यूपीएससी का सिलेबस पूरा का पूरा, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू, पीआईबी एंड आपका इंडियन एक्सप्रेस का भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है, तो वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ गाइस। और ये चैनल पे आपको जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, मैथ्स और साइंस, जीके जीएस, करेंट अफेयर और जितनी भी जो क्लासेज हैं, चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी, और हमारे साथ जो मैं टीम है वो उसको मैं बहुत जल्द ही, और भी हमारे साथ बहुत सारे फैकल्टी जुड़ेंगे गाइस। बस आपको इसके लिए क्या करना है कि चैनल को सपोर्ट करना है। चैनल सपोर्ट आपको पैसे से नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाना है, ताकि इसका बेनिफिट्स, मैं कुछ अच्छा करना चाह रहा हूँ उसका बेनिफिट मैक्सिमम बच्चों तक मिलेगा इस, राइट। तो चलिए अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर फॉर यूपीएससी सीएससी गाइस 2021 स्टूडेंट। जो भी 2020 और 21 के जो स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है गाइस। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 अगस्त का जो भी आपका करेंट अफेयर है, जिसमें द हिंदू और पीआईबी का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग डिस्कस ये भी करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए भी जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जो आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा गाइस। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाई मी आशीष सर। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गाइस, अगर आप तो आप मेरे को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे को अनअकैडमी प्लस पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप क्या डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है गाइस, ठीक है। अब इसके बाद जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, देन आफ्टर यू इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सब्सक्रिप्शन, अगर आप इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी की क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, लेकिन जो भी सारे फैकल्टी की क्लासेज आपको अनअकैडमी का जो क्लास है वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता है गाइस। और अगर आपको कंटिन्यूसली बैक टू बैक क्लासेज चाहिए है, क्योंकि अगर हम लोग यूपीएससी सीएससी की बात करें तो ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम अगर हम कंसिडर करें तो है। टफेस्ट मतलब बोल इन द सेंस कि यहाँ पे हर साल जो है बच्चे यहाँ पे 5 से 6 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, और सिर्फ वैकेंसी कितने की होती है, लगभग 1,000 स्टूडेंट की। तो थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, एग्ज़ाम कोई टफ नहीं है, क्योंकि अभी तक यूपीएससी का कभी भी जो टॉपर की मैं बात करूँ तो वो टॉपर का भी 50% से ज़्यादा आपका मार्क्स नहीं गया है, राइट। ओके, तो टॉपर का भी मैक्सिमम मार्क्स जो आता है वो अगर आप 50% ले आते हैं, देन आफ्टर आप क्या हो जाएंगे, ये आप टॉप हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे जो है किस तरीके से राइट स्ट्रैटेजी में आपको बेस्ट गाइडलाइन मिलना चाहिए। बेस्ट गाइडलाइन के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, देन आफ्टर आपको जो है वहाँ पे अच्छे से सेलेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सीएससी, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन से किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कर सकते हैं, राइट। इस पैंडेमिक में भी जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी पे जुड़े हुए हैं, सारे बच्चों को क्लासेस मिल रही है और उनका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है गाइस, राइट। तो अगर आप भी इसी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करना है, और आपका जो कैटेगरी होगा यहाँ पे क्या करेंगे, उस कैटेगरी में चले जाएंगे, राइट। जैसे कि आपने डाउनलोड किया, यहाँ पे कोई और कैटेगरी है और आपको इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा मैनेज गोल का। किसका ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मैनेज गोल। मैनेज गोल को जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर आपको वहाँ पे पूरा का पूरा जितने भी एग्जामिनेशन जो अनअकैडमी कराता है उसकी प्रिपरेशन, तो उसका वहाँ पे लिस्ट खुल जाएगा। आपको जो चाहिए वो आप वहाँ पे जो है उसको बाई कर सकते हैं गाइस। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे मैं ऐसे यूपीएससी के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो यूपीएससी का अगर गेट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे यूपीएससी सीएससी आपको पहले चेक करना है, नहीं है तो पहले गोल मैनेज गोल में जाकर उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, देन आफ्टर यू विल गेट दिस टाइप ऑफ द पेज। आपको इस टाइप का पेज खुल जाता है जिसमें ड्यूरेशन और प्राइस अमाउंट जो है, प्राइस लिस्ट आपका आ जाता है। ये सारा अमाउंट होता है जो आप अनअकैडमी में पे करके अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है गाइस कि
कि अब रेफरल कोड के बारे में बात करें, तो ये आपका मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपको 1 साल या 2 साल का लेना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है कि इसमें आपको टाइम लगता है। अगर आप 1, 3 या 6 महीने में अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो सकता है। अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो एटलीस्ट ये इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है, जैसे कि इसके लिए एटलीस्ट आपको 12 मंथ या 24 मंथ, मतलब कम से कम 1 या 2 साल आपको लगेगा, ठीक है, वो भी डेडिकेटेड स्टडी अगर आप करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एटलीस्ट 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स का लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अब ये पैसेज, जैसे कि मैं 1 ईयर का बात करूँ या फिर 2 ईयर का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है 44,000 और 2 साल का आपका 64,000 में मिल जाता है, राइट। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा, सर इसमें भी कुछ डिस्काउंट हो जाता, बिल्कुल मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे आप इसमें भी 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पे एक आपको जो है यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा जिसमें आपको स्पेस मिलेगा इस टाइप का, जहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा हैव अ रेफरल कोड, राइट। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो आप यहाँ पे हमारे इस कोड को अप्लाई करके आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमारा कोड जो है उसको अप्लाई करना है, कोड है मेरा SHIV, राइट, GOVINT, राइट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका प्राइस जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। इसका प्राइस रिड्यूस कब होगा, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड अप्लाई, तो वहां पे क्या करना है आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आपका ये रिड्यूस हो जाएगा, जैसे जो 8,000 का कोर्स है वो 800 रुपये कम हो गया, तो ये आपका इस तरीके से, मतलब अगर 44,000 का कोर्स है तो इसमें आपका 4,400 रुपये जो है वो आपका हो जाएगा, मतलब 4,400 रुपये जो है वो कम हो जाएंगे, तो टोटल आपका 39,600 में आपका पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर पर मंथ अमाउंट के बारे में बात करें तो लगभग 3,300 का, इस 3,300 में अगर आप कहीं पे जाते हो रहने खाने और सारे चीज़ का जोड़ लो, प्लस में इंस्टीट्यूशन का फी भी आपको 1 से 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये ऐसे लग जाते हैं UPSC के प्रिपरेशन में, और आपको 1 साल अपने घर में बैठकर आपको बाहर जाने में जितना भी झंझट होता है, जितना परेशानी होती है, वो बिल्कुल भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर यहाँ पे आप प्रोसीड टू पे कर सकते हैं, प्रोसीड टू पे करेंगे देन आफ्टर आपके पास ऑप्शन होता है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कार्ड का, नेट बैंकिंग, UPI, वैलेट एंड EMI, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट जो है किस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, राइट। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे कोट्स ऑफ द डे से। देयर इज अ नथिंग मोर पावरफुल देन समवन हु हैज द फेथ एंड अ मिशन। तो कोई भी चीज जो है किसी भी व्यक्ति से पावरफुल नहीं हो सकता है जिसके पास, कोई व्यक्ति जिसके पास खुद पे विश्वास हो और उनके पास एक लक्ष्य हो, अगर उनके पास एक लक्ष्य है और उनको खुद पे बिलीव है तो बिल्कुल उनसे ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं हो सकता है गाइस। तो आज का कोर्स यही है कि अगर आपका जज्बा है, आपके अंदर जज्बा है और आपको खुद पे विश्वास है कि आई कैन डू इट, इसका मतलब आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो ये है आज का कोट। तो चलिए इसके बाद आज के कंटेंट में हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा करेंट अफेयर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट आर वीप, हिप क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्राम उद्योग विकास योजना आखिर क्या है, उसके बाद व्हाट आर द स्मॉग टावर क्या है, उसके बाद जो लीड पॉइजनिंग जो है वो उस पर रिपोर्ट एक यूनिसेफ के द्वारा आया है तो उसके बारे में बात करेंगे, मुल्ला पेरियर डैम इशू कहाँ पे है, उसके ये कौन कौन से स्टेट के बीच में डैम इशू है तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उसके बाद यंग साइंटिस्ट अवार्ड के बारे में बात करेंगे, स्कॉच गोल्ड अवार्ड के बारे में बात करेंगे, महात्मा गांधी सेतु और मुस्लिम वुमेन्स राइट डे जो आपका है उसके सारे चीज़ के बारे में हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए फर्स्ट करेंट अफेयर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये आपका करेंट अफेयर का टॉपिक जो है द हिंदू से लिया गया है तो इससे हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन आपको दिख रहा है कि व्हाट अ हीप, ठीक है, तो हीप होता क्या है, तो सबसे पहले कांग्रेस चीफ व्हिप ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली हैज मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट हाई कोर्ट डायरेक्शन टू द स्पीकर टू मेंटेन द स्टेटस क्वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट द आउस्टेड MLA अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो गाइज, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज है, अगर आप इसको समझोगे तो। राइट, वन मिनट गाइज। ओके, तो यहां पे इसका मतलब हो गया कि कांग्रेस के जो मुख्य सचेतक हैं, व्हिप का मतलब क्या होता है, सचेतक, अगर आप इसको अगर समझना चाहते हो तो यहां पे आप बोल सकते हो व्हिप मींस यू कैन से इट इज अ सचेतक होता है। तो जो कांग्रेस के मुख्य सचेतक हैं वो राजस्थान में जो हैं, उन्होंने क्या किया कि वो सुप्रीम कोर्ट गए, जो वहाँ पे हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि स्पीकर को उन्होंने बोला कि किस तरीके से वहाँ पे जो है मतलब मेंटेन करके चलना है, तो उसके बारे में, उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे कहाँ पे चले गए, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। आखिर ये न्यूज़ है क्या? राइट, ओके, ठीक है। तो ये जो है आपका, अगर हम लोग बात करें तो ये न्यूज़ जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपका जीएस पेपर टू से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है गाइस? ये जीएस पेपर टू से रिलेटेड है, ये आपका जनरल स्टडीज पेपर टू में आता है। अब यहाँ पे चीफ व्हिप क्या होता है, हाल ही में राजस्थान, यहाँ पे अगर ये न्यूज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये न्यूज़ ये बोल रहा है कि हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के मुख्य सचेतक जो हैं, मुख्य जो सचेतक हैं, उन्होंने द्वारा बागी विधायक, जो भी बागी विधायक थे, जो मतलब यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग ऑस्टेड एमएलए जो थे, बागी विधायक जो थे, उनकी अयोग्यता की कार्रवाई में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने इन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही स्थगित रखने का विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिया। तो यहाँ पे जो भी जो आपका जो मतलब यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या बोला था, हाईकोर्ट ने यहाँ पे जो भी जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जो है जो भी बागी विधायक थे उनके आधार पे यहाँ पे जो भी विधानसभा के अध्यक्ष थे उनको ये बोला गया कि इन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई स्थगित रखने का विधानसभा को अध्यक्ष को ऐसा आदेश दिया गया था। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये इशू क्या है, व्हाट्स द इशू? इशू के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मुख्य सचेतक के अनुसार यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द चीफ व्हिप एंड द हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ जुलाई 24 वायोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द किहोटो होलोहन ऑफ 1992। मतलब मुख्य सचेतक के अनुसार 24 जुलाई को उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश किहोतो होलोहान प्रकरण 1992 में जो हुआ था, 92 में उच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले का उल्लंघन करता है। तो इसके अनुसार ये जो है आपका क्या, चीफ व्हिप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हाई कोर्ट ऑर्डर को यहाँ पे 24 जुलाई को उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश की हो तो होलोहान प्रकरण 1992 में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले का उल्लंघन करता है। राइट, तो ये फैसला क्या था, यहाँ पे ये फैसला पहले से ये दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहाँ पे कोर्ट शुड बी द इंटरवीन इन द डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग प्रायर टू द फाइनल डिसीजन फ्रॉम द स्पीकर एंड द जुडिशियल रिव्यू ऑफ डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग वॉज वेरी लिमिटेड इन दिस केस द हाई कोर्ट हाउएवर हैड इंटरवीन्ड एट द स्टेज ऑफ द नोटिस इन द डिसक्वालिफिकेशन एक्शन। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उस न्यायालय पहले का जो है उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले में स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि अदालतों को, अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अदालतों को ये बोला गया, वन मिनट गाइस, ओके, राइट, एवरीथिंग क्लियर, चलो।
तो अदालतों को ये बोला गया कि अदालतों को विधानसभा अध्यक्ष के अंतिम निर्णय के से पहले अयोग्यता की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब पहले से जो है, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष जब तक अंतिम निर्णय नहीं देगा तब तक वहाँ पे उच्चतम न्यायालय जो है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और अयोग्यता कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा भी काफ़ी सीमित की गई थी। मतलब वहाँ पे उसका लिमिट बताया गया है कि अयोग्यता आप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हालांकि उच्चतम न्यायालय के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो हालांकि कि उच्चतम न्यायालय इस मामले में अयोग्यता कार्रवाई के नोटिस के चरण में हस्तक्षेप नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि जो राजस्थान में हुआ तो उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई अयोग्यता के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन ये डिसीजन जो है वो गलत था। मतलब वहाँ पे इसी को लेकर जो है यहाँ पे जो कांग्रेस के जो चीफ व्हिप हैं वो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो कहाँ पे गए जा चुके हैं, वो आपके सुप्रीम कोर्ट में गए, किसके खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ। यही था न्यूज़। अब यहाँ पे सचेतक क्या होता है, व्हिप क्या होता है। व्हिप एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। व्हिप इज एन पॉलिटिकल पार्टी हु एक्ट एज अ पार्टी इन्फोर्सर इनसाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली और द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे व्हिप का मतलब होता है सचेतक। सचेतक होता क्या है, किसी राजनीतिक दल का एक अधिकारी होता है जो संसद सदन अथवा विधानसभा के अंदर दल के प्रवर्तक, प्रवर्तक मीन्स इन्फोर्सर आप बोल दो, मतलब विधानसभा के अंदर दल के प्रवर्तक के रूप में काम करता है, राइट। दूसरा, पार्टीज अपॉइंट अ सीनियर मेंबर फ्रॉम द अमॉन्ग देयर हाउसेस कंटिजेंट टू द इशू द व्हिप, एंड दिस मेंबर इज कॉल्ड अ चीफ व्हिप एंड ही और सी इज असिस्टेड बाय द एडिशनल व्हिप। इसका मतलब ये हो गया कि भारत का जो है, राइट, तो यहाँ पे ये बोला गया कि पार्टी अपॉइंट अ सीनियर मेंबर, मतलब राजनीतिक पार्टियाँ सदन के लिए अंदर व्हिप जारी करने के लिए अपने सदस्यों में से किसी वरिष्ठ अध्यक्ष को, वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करती है, और इस सदस्य को मुख्य सचेतक कहा जाता है, तथा इसकी सहायता के लिए पार्टियां द्वारा अतिरिक्त सचेतक भी नियुक्त किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे सचेतक जो पार्टी होती है जो वहाँ पे इन्फोर्स करती है, मतलब वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसी में से कोई सीनियर पर्सन को उसको चुन लिया जाता है, प्लस में एक और जो है इसकी सहायता के लिए चीफ व्हिप के लिए और भी जो है वहाँ पे एडिशनल व्हिप भी बनाया जाता है। अब यहाँ पे इंडिया इनहेरिटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द व्हिप फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में ये कब से आया, ये व्हिप का कॉन्सेप्ट कब से आया, तो इंडिया में जो है भारत को व्हिप की अवधारणा जो है ब्रिटिश संसदीय, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रणाली से जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से विरासत में प्राप्त की हुई है। मतलब ये जो है आपको कहाँ से मिला है, ये विरासत से प्राप्त हुआ है। कौन से विरासत से, किससे हम लोगों को मिला है विरासत में, तो ये पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम में अवेलेबल था, तभी जाकर ये हमारे आया है, इसमें हुआ है। अब यहाँ पे व्हिप क्या होता है, एक पार्लियामेंट पैरलेंस होता है, एंड इज ऑल्सो अ रिटन ऑर्डर डैट अ पार्टी मेंबर बी प्रेजेंट फॉर एन इंटर इम्पॉर्टेंट वोट और डैट ओनली वन द पार्टिकुलर वे। अब यहाँ पे ये है कि संसदीय भाषा में व्हिप का मतलब संसद में होने वाले मतदान के लिए किसी मतदान में उपस्थित रहने तथा किसी किसी विशेष तरीके से मतदान में भाग लेने के लिए राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने सदस्य को जारी किया गया लिखित आदेश भी होता है। मतलब व्हिप का मतलब एक तो हो गया कि आपका वो पर्सन होगा जिसको अपॉइंट करता है पार्टी, दूसरा व्हिप का मतलब ये नहीं है, व्हिप का मतलब एक और चीज़ होता है, संसदीय भाषा में व्हिप हम लोग उसको बोलते हैं संसद में होने वाले किसी मतदान में उपस्थित रहने तथा किसी विशेष तरीके से मतदान में भाग लेने के लिए राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने सदस्यों को जारी किया गया लिखित आदेश भी होता है। अब यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कि रोल ऑफ व्हिप, व्हिप का काम क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे है, ट्राई टू इंश्योर दैट देयर फेलो पॉलिटिकल पार्टीज लेजिस्लेचर अटेंड द वोटिंग सेशन एंड वोट अकॉर्डिंग टू देयर पार्टी ऑफिशियल पॉलिसी। इसका मतलब पार्टी सचेतक, अगर यहाँ पे बात करें तो पार्टी सचेतक जो होता है सदन में अपनी पार्टी,
मतलब देयर फिलो पार्टी लेजिस्लेटर अटेंड वोटिंग सेशन एंड वोट अकॉर्डिंग टू द पार्टी ऑफिशियल्स पॉलिसी। इसके बाद पार्टी सचेतक व्हिप और सदन में अपनी पार्टी की आधिकारिक नीति के अनुसार अपने दल के सदस्यों द्वारा मतदान सत्र में भाग लेने और मतदान करने को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। मतलब यहाँ पे उसको जो है अच्छे से रन कराने का काम करता है। अब यहाँ पे व्हाट हैपन इफ अ व्हिप इज डिसऑबेड, क्या होगा, क्या होता है अगर कोई व्हिप का उल्लंघन करने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उसमें पहला कि लेजिस्लेटर आपको वहाँ पे लेजिस्लेशन जो है वो क्या कर सकता है, डिसक्वालिफिकेशन आपका वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे संसद में अगर व्हिप का उल्लंघन अगर कोई करता है तो संसद में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर सदन के सदस्य को अयोग्यता कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि सदन में किसी पार्टी, जस्ट लाइक यू कैन से, अगर इफ सी एंड ही डिसऑबे द व्हिप ऑफ द पार्टी अनलेस द नंबर ऑफ रोल मेकर लॉ मेकर डिफाइन द व्हिप इज द 2/3 ऑफ द पार्टी स्ट्रेंथ हाउस एंड डिसक्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाई द स्पीकर ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे ये है कि सदन में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर सदन के सदस्यों को पहला डिसक्वालिफिकेशन उनका सामना करना पड़ सकता है। मतलब उनको जो है अयोग्य उनको घोषित किया जा सकता है। यदि सदन में किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्यता कार्रवाई से छूट प्राप्त होती है। उन्हें दल बदल कानून के तहत उनको जो है अयोग्यता से छूट प्राप्त होती है। डिसक्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस। तो ये डिसक्वालिफिकेशन का निर्धारण कौन करता है, तो डिसक्वालिफिकेशन का निर्धारण जो है वो आपका स्पीकर जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब सचेतक की सीमा क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द व्हिप। सो देयर आर द सम केसेस सच एज द प्रेसिडेंट इलेक्शन वेयर द व्हिप कैन नॉट डायरेक्ट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू वोट इन द पार्टिकुलर फैशन। तो यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ व्हिप ये है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब होता है तो उसमें व्हिप जो है वो आपका कोई भी जो डायरेक्ट मेंबर होते हैं, जैसे कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या फिर MLA को वो किसी भी तरीके से वो डायरेक्ट नहीं कर सकता है, राइट। तो ये सारा चीज है। अब यहाँ पे व्हिप के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो पहला व्हिप एक होता है कि वन लाइन व्हिप होता है, ये जो होता है इशूड टू इन्फॉर्म द मेंबर ऑफ द पार्टी अबाउट अ वोट। इट अलाउ द मेंबर टू एब्सटेन इन द केस एंड डिसाइडेड नोट टू फॉलो द पार्टी लाइन, राइट। तो यहाँ पे तीन टाइप का व्हिप होता है। तो सबसे पहले जो पार्टी के द्वारा इशू किया जाता है, पहला एक हो गया वन लाइन व्हिप। इसमें क्या है कि इस पार्टी में के सदस्यों को मतदान के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जाता है और इस प्रकार व्हिप के सदस्य जो होते हैं, इस प्रकार जो व्हिप के सदस्य होंगे या फिर पार्टी की जो नीति होगी से सहमति नहीं होने पर मतदान में अनुपस्थित रह सकते हैं। मतलब इसमें जो है हो सकता है कि अगर कोई सहमत नहीं है तो वहाँ पर मतदान में अब्सेंट भी वो पर्सन हो सकता है। दूसरा टू लाइन व्हिप, ये जो होता है इशू टू डायरेक्ट द मेंबर टू बी प्रेजेंट इन द हाउस एट द टाइम ऑफ द वोटिंग। यहाँ पे ये है कि इसमें अब्सेंट हो सकते हैं वन लाइन व्हिप में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें आपको जितने भी इसके द्वारा सदस्यों को मतदान के समय सदन में उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया जाता है। मतलब मतदान अगर सदन में हो रहा है तो उस समय सारे लोगों को वहाँ पे रहने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो तीसरा हो गया थ्री लाइन व्हिप्स। तो थ्री लाइन व्हिप में क्या है, इशू टू द मेंबर्स डायरेक्टिंग देम टू वोट एज पर द पार्टी लाइंस। इसके मतलब इसके द्वारा सदस्यों को पार्टी नीति के अनुसार मतदान करने का निर्देश किया जाता है। मतलब जो भी जो मेंबर होते हैं उनके पार्टी नीति के अनुसार उनको मतदान करने का जो है वो निर्देश दिया जाता है। तो ये सारा चीज है, तो आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हो, और ये आपके GS 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आखिर व्हिप क्या होता है, कितने टाइप के व्हिप होते हैं, आपके प्रीलिम्स से भी पूछा जा सकता है, मुझसे मुख्य सचेतक कौन होता है,
यहाँ पे किहोतो होलोहान प्रकरण 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवलोकन पूछा जा सकता है। विप के उल्लंघन करने की स्थिति क्या है, विप की सीमा क्या है, विप के प्रकार क्या हैं, राइट। तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड, ग्राम उद्योग योजना, ठीक है। तो ग्राम उद्योग योजना जो है, ग्राम उद्योग विकास योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME हैज अप्रूव अ प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्टिसंस इवॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती अंडर द ग्राम उद्योग विकास योजना एज अ पायलट प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हाल ही में सूक्ष्म और लघु एंड मध्यम जो उद्यम मंत्रालय है उनके द्वारा ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत अब जो है आपका एक और चीज भी इवॉल्व कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अगरबत्ती निर्माण के संलग्न कार्रवाई कारीगरों के भलाई के लिए कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। मतलब यहाँ पे अब जो है अगरबत्ती के जो मजदूर हैं उनको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनिशियली 4 पायलट प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड इंक्लूडिंग द वन इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें जो है ग्राम उद्योग मुख्य योजना में यहाँ पे 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिसमें एक जो है प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर हमारे देश के पूर्वोत्तर भाग में आपका स्टार्ट होगा, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो उधर जो है आपका स्टार्ट किया जाएगा। दूसरा है कि इस टारगेटेड क्लस्टर ऑफ आर्टिस्टियन विल बी सपोर्टेड विद द अबाउट द 50 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन एंड 10 मिक्सिंग मशीन। तो यहाँ पे ये भी टारगेट किया गया है कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें 50 अगरबत्ती मशीन दिया जाएगा, साथ ही साथ 10 जो है उसका मिक्सिंग मशीन दिया जाएगा, जो उसमें फ्रेग्रेंस डाला जाता है, जो उसमें जो सेंट डाले जाते हैं और फिर उसको मिक्स किया जाता है, तो वो सारे के लिए 10 अलग से मिक्सिंग मशीन दिए जाते हैं। तीसरा, तो पहला हम लोगों ने की पॉइंट देखा गाइस, तो पहला की पॉइंट ये है कि यहाँ पे 4 पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें एक पायलट प्रोजेक्ट आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे स्टार्ट होगा। दूसरा, यहाँ पे इसका टारगेट ये है कि यहाँ पे ये जो है 50 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ 10 मिक्सिंग अगरबत्ती मशीन भी प्रोवाइड कराया जाएगा गाइस, ठीक है। एवरीथिंग क्लियर गाइस, ओके राइट। तो ये आपका किया जाएगा। उसके बाद खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC वो भी आपको क्या करेगा, उसको भी प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग असिस्ट द आर्टिस्टियन वर्किंग इन दिस एरिया। तो यहाँ पे खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, साथ ही साथ उनको जो सहायता होती है वो ये सारे फील्ड में जो भी लोग जो काम करते हैं, जो भी वर्कर काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे जो है सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। मतलब प्रदान करेगा कौन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, राइट। इसका महत्व क्या है, आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, द प्रोग्राम इन एम टू इन्हेंस द प्रोडक्शन ऑफ अगरबत्ती इन द कंट्री एंड क्रिएट द सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट इन द ट्रेडिशनल आर्टिसंस बाय प्रोवाइडिंग देम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन देयर वेज एंड दिस विल गिव अ बूस्ट टू द डोमेस्टिक अगरबत्ती इंडस्ट्री इन द कंट्री एंड विल रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ द अगरबत्ती। तो ये क्या करेगा, ये आपका ये भी करेगा कि जो हमारे कंट्री में जो दूसरे कंट्री से जो आपका जो अगरबत्ती आता है, डोमेस्टिक अगरबत्ती आता है, तो वो सारा यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, और जो हमारे कंट्री में जो लोग जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके अगरबत्ती पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इसके लिए ये जो है ग्राम उद्योग विकास योजना यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्मॉग टावर। स्मोक टावर है क्या, सो स्मोक टावर इज अ स्ट्रक्चर डिजाइन टू द वर्क ऑफ द लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर। तो ये वायु शोधक के रूप में, स्मोक टावर किसी बड़े क्षेत्र के लिए वायु शोधक के रूप में कार्य करने हेतु निर्मित एक संरचना होती है, ठीक है। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका फिगर है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हो, राइट। तो ये जो है, ये है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द एयर स्मॉग टावर। तो ये आखिर काम क्या करता है, ये
किस तरीके से वर्क करता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। तो हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क करता है, दिस स्ट्रक्चर फिटेड विद द मल्टीपल लेयर ऑफ द फिल्टर, इसमें बहुत सारे लेयर में फिल्टर्स होते हैं विच ट्रैप द, जो कि क्या करता है कि जो भी आपके जो एयर में जो सस्पेंडेड है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसको क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है, उसको बांध लेता है, उसको खींच लेता है। दूसरा, एयर इज ड्रॉन थ्रू द फैंस इंस्टॉल एट द टॉप ऑफ द टावर एंड पास थ्रू द फिल्टर एंड देन रिलीज नियर द ग्राउंड। इसके बाद एयर, जैसे कि वो जब चालू होता है, एयर टावर जब होता है, तो वो क्या करता है, एयर को कैच करता है, खींचता है, ड्रॉ करता है, राइट वो अपने फैन से, उसमें फैन अवेलेबल होते हैं, तो फैन से क्या होता है, वो उसको खींचता है और उस हवे को खींचकर, उस एयर को जो जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसको खींचकर क्या करेगा, उसको रिलीज करेगा। किस चीज से रिलीज, पासेस थ्रू द फिल्टर एंड देन रिलीज नियर टू द ग्राउंड, फिर उसको ग्राउंड के नियर क्या करता है, उसको रिलीज करता है। तो इस तरीके से ये किस टाइप से काम करता है, ये आपका लार्ज स्केल रूप में आप इसको बोल सकते हो कि एयर प्योरीफायर के रूप में वर्क कर रहा है। एंड वाई इज इन द न्यूज़, क्यों ये न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर ये डायरेक्ट किया था अथॉरिटी को, जो भी मेजर है इंक्लूडिंग द आस्किंग द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल पॉलिसी एंड कंट्रोल बोर्ड CPCB, उनको कंप्रीहेंसिव प्लान ये देना था, सेटिंग अप ऑफ द स्मॉग टावर इन द कैपिटल। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर में ही इस चीज़ को बता दिया था, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट है और CPCB जो है, जो सेंट्रल पॉलिसी एंड कंट्रोल बोर्ड है, उसको एक कंप्रीहेंसिव प्लान जो है स्मॉग टावर को कैपिटल में सेट करने का, वो पूरा का पूरा सबमिट करना था। लेकिन ये इसीलिए अभी जो है यहाँ पे ये न्यूज़ में है। एंड लेटर इन द जनवरी कोर्ट डायरेक्टेड द टू टावर शुड बी इंस्टॉल इन द कैपिटल बाय द अप्रैल ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट बेसिस। सो टाइमलाइन वर नेवर मेट, वर्स नेवर मेट। तो यहाँ पे ये भी बोला गया। फिर उसके बाद अनदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया जनवरी में कि दो टावर यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए है अप्रैल तक, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे, लेकिन टाइमलाइन जो है वो अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है, मतलब अभी तक टावर नहीं लगाया गया है। इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो क्या सही में एक्चुअल में ये, अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे बात करें, तो क्या एक्चुअल में ये वर्क करेगा, आर दे हेल्पफुल, यस यू कैन से यस। जैसे स्मॉग टावर के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये जो है नीदरलैंड में भी आपका अवेलेबल है, चाइना में अवेलेबल है, साउथ कोरिया में अवेलेबल है, पोलैंड में अवेलेबल है, ठीक है। ये पहला टावर आपका कब इरेक्ट हुआ था, 2015 में नीदरलैंड में, रोड एक जगह है जिसको नाम बोलते हैं रोटरडैम, कौन सा जगह है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में पहली बार लग रहा है, ये यहाँ पे और भी बहुत सारे कंट्री इसको यूज करते हैं, जैसे नीदरलैंड, चाइना, साउथ कोरिया एंड पोलैंड। पहली बार ये जो टावर लगा 2015 में कहाँ पे लगा, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में एक जगह था जिसका नाम था रोटरडैम, और ये जो है इट कैन फिल्टर द 30,000 क्यूबिक मीटर ऑफ द एयर पर आवर्स अराउंड इट, उसके चारों तरफ जो है वो एक घंटे में 30,000 क्यूबिक मीटर जो एयर जो होता है उसको वो फिल्टर कर सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एक स्मॉग टावर आपका एक घंटे में 30,000 क्यूबिक मीटर एयर आपका फिल्टर कर सकता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है गाइस, राइट। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद एक्सपर्ट का ऐसा मानना है, वो मानते हैं कि ये टावर जो है क्लीन एयर जोन कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका बना सकता है क्लीन एयर जोन इन द सिटी, और ये आपका 50% जो पार्टिकुलेट मैटर लोड होता है एयर में, उसको क्या करता है, जैसे फाइन पार्टिकल्स जो जैसे होते हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपका जो होता है उसको क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा 50% उसका जो मैटर लोड होता है, मतलब जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट होंगे वो सारा का सारा उसको रिड्यूस कर देता है, राइट, ठीक है। एंड 1 किलोमीटर के एरिया में डायरेक्शन ऑफ विंड एज वेल एज 200 मीटर ईच अलॉन्ग द साइड ऑफ द टावर एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो ये अगर हम लोग बात करें तो ये जो है विंड के डायरेक्शन में 1 किलोमीटर तक का, और साथ ही साथ उस टावर के चारों तरफ अगर हम लोग बात करें, चारों तरफ 200 मीटर तक वो क्या करता है, इस टाइप से 50% जो है उसका क्या कर देगा, उसका जो मैटर लोड होता है उसको कम कर देता है। Why Delhi needs such measures?
अब यहाँ पे बात करें कि दिल्ली में क्यों जरूरत है, आप सिंपली बोल सकते हो दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है इसलिए दिल्ली में ज्यादा जरूरी है। तो एयर पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल हैज़ बीन एन इशू ऑफ द कंसर्न फॉर द क्वाइट सम टाइम एज अ दिल्ली एंड इट्स सबर्ब्स हैव रैंक्ड अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड फ्रीक्वेंटली सिंस द 2014 व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड दिल्ली द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी 2014 में क्या कहा कि दिल्ली जो है वो पूरे देश पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए दिल्ली में ये करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड पॉल्यूशन लेवल इन दिल्ली इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द विंटर, तो ये विंटर के टाइम में ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है, लगभग 10 times जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, जो WHO के द्वारा ये लिया गया है, जिसके कारण जो है बहुत सारे जो है पॉपुलेशन आपके रिस्क पे हैं। ठीक है, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे आप पक्षी का बात करो, या फिर किसी भी कंडीशन में मैन के हेल्थ इशू के लिए ही बात करो, तो वो भी उसके लिए बहुत ही जो है बिग प्रॉब्लम, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब रीजन बिहाइंड द हाई पॉल्यूशन लेवल, अब हाई पॉल्यूशन होगा तो उससे क्या होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन, आखिर उसका रीजन क्या है, हाई पॉल्यूशन लेवल होने का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। यू कैन सी दैट फर्स्ट वन इज अ कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण आपका जो होता है आपका क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ता है इंडस्ट्री के कारण, एंड वैक्यूलर जो पॉल्यूशन होता है उसके कारण। ठीक है, तो ये पूरे सिटी में हाई पॉल्यूशन होने के कारण ये 3 things, पहला है कंस्ट्रक्शन वर्क, दूसरा इंडस्ट्री, एंड तीसरा जो व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन हम लोग यूज करते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, तो वही सारे से क्या होता है कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन आपका पॉल्यूशन जो होता है वो आपका बढ़ता है। ठीक है, एंड द सिचुएशन जो है ये आपका अस्टेबल बर्निंग के कारण, जैसे नॉर्थ ईस्ट अगर उधर अगर हम लोग बात करें दिल्ली के नज़दीक में, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो ये सब टाइम में अभी विंटर में क्या होता है कि इसको स्टबल बर्निंग किया जाता है। स्टबल बर्निंग जैसे कि कोई जो फसल हुआ उसको काट देने के बाद उसका जो जड़ बनता है, जड़ बचता है, जड़ से ऊपर सा थोड़ा सा पार्ट होता है, तो उनके पास इतनी अच्छी इक्विपमेंट्स नहीं होती है गाइस कि उसको क्या कर सके, वो जला सके। और दूसरा चीज़ कि जब ठंड आती है तो उसको वो लोग क्या करते हैं, जलाते हैं और फिर अपने आप को वार्म करते हैं, मतलब उससे गर्मी फील करते हैं, तो जिसके लिए उन लोग क्या करते हैं उसको जलाते हैं, तो स्टबल बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण वहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। एंड सच अ काम वाइंड एंड लो टेम्परेचर एंड अ फीवर सनी डे, तो यहाँ पे ये सारा कंडीशन स्टबल बर्निंग के कारण ही आपका विंटर में आता है, क्योंकि विंटर में स्टबल बर्निंग वहाँ पे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय लिया जा सकता है, पहला परसुएडिंग द फार्मर्स इन द पंजाब एंड हरियाणा टू यूज द मैकेनिकल अल्टरनेटिव्स टू स्टबल बर्निंग, तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, जो फसल का जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है, जो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो बच जाता है, तो वहाँ पे क्या करना है कि पंजाब और हरियाणा को में जो भी फार्मर्स हैं उनको रोकना है, उनको ये बताना है कि आप स्टबल बर्निंग करने के कंपेयर में आप इसको मैकेनिकल कुछ अल्टरनेटिव इस्तेमाल करो। तो मैकेनिकल अल्टरनेटिव के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा, उनको बहुत सारे ऐसा इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराना होगा जिसके कारण वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके, उसको जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्लोजर ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन इन द दिल्ली, वहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन आपको दिल्ली में बनाना पड़ेगा। तीसरा आपको मेकिंग इंडस्ट्रीज यूज पाइप द नेचुरल गैस, तो वहाँ पे एक तरीके से आप ऐसे भी पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हो कि वहाँ पे नेचुरल गैस का क्या होना चाहिए, पाइपलाइन इंडस्ट्री का यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण वहाँ पे जो है लोग जो है जैसे कि क्लीन फ्यूल यूज़ कर सकें, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। 4 में ये है कंट्रोल द मेजर टेकन अंडर द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान विन द पॉल्यूशन लेवल स्पाइक। ठीक है, तो यहाँ पे GRAP प्लान के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कंट्रोल करना है, अगर पॉल्यूशन लेवल अगर स्पाइक होगा, हाई होगा, तो उस कंडीशन में आपको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। राइट, ओके, उसके बाद तो ये था कंप्लीट डिस्कशन जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया स्मॉग टावर के बारे में। तो स्मॉग टावर क्या है, हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है,
आखिर दिल्ली के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है और हम लोग किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, इसका रीजन क्या है, आखिर स्मॉग टावर पॉल्यूशन किसी भी जगह का कैसे बढ़ता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो पॉल्यूशन है उसको हम लोग किस तरीके से कम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि लेड पॉइजनिंग जो है यूनिसेफ के द्वारा बताया गया है। तो यूनाइटेड नेशन एंड चिल्ड्रेंस फंड एंड इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन पॉपुलेशन इशू डैट इज द प्योर अर्थ, राइट। तो ये प्योर अर्थ जो है वो आपका रिलीज हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हैव रिलीज अ रिपोर्ट एट द टॉक्सिक ट्रूथ एंड द चिल्ड्रेन एक्सपोजर टू द लीड पॉल्यूशन एंड अंडरमाइन अ जनरल ऑफ द पोटेंशियल। तो ये आपका हो गया कि यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे एंड जो भी इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं, ये आपका फोकस कर रहे हैं पॉल्यूशन जो इशू है और प्योर अर्थ जो जो है वहाँ पे उन्होंने एक क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि टॉक्सिक ट्रूथ ये है कि चिल्ड्रेन के लिए लेड पॉल्यूशन जो कि जनरेशन और पोटेंशियल को क्या कर रहा है, मतलब वहाँ पे आप बोल सकते हो जो भी जनरेशन है या फिर आने वाली जनरेशन है तो उसके लिए वो बहुत ही हार्मफुल है। तो ये टॉक्सिक ट्रूथ के बारे में इसको बोला गया। अब यहाँ पे इसका इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है, तो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग में अगर हम लोग बात करें की फाइंडिंग के बारे में, तो सबसे पहला लीड पॉइजनिंग इज अफेक्टिंग द चिल्ड्रेन ऑन अ मैसिव एंड प्रीवियसली अननोन स्केल। जैसे कि पहले हम लोग नहीं जानते थे लेकिन अब हम लोगों को पता है कि लीड जो है लेड पॉइजनिंग हमारे बच्चे को क्या कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे अफेक्ट कर रहा है। अराउंड 1 in 3 चिल्ड्रेन अप टू द 800 मिलियन ग्लोबली हैव ब्लड लेड लेवल एट और एबव द 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर द अमाउंट एट विच एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो अगर हम लोग बात करें कि लगभग 3 बच्चे में 1 बच्चे में इस टाइप का पॉइजनिंग देखने को मिल रहा है, लगभग 800 मिलियन अगर बच्चे की बात करें, तो ये बहुत ही बड़ी इशू है गाइस। तो इस पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है कि लगभग 3 बच्चे में 1 बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें 800 मिलियन जो है वो पूरे ग्लोबली इसको सर्वे किया गया, उसमें ब्लड में उनका क्या है कि लेड पाया जाता है, जिसमें लेड कितना अमाउंट में होता है आपका 5 माइक्रोग्राम 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर द अमाउंट एट विच द एक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर इतना है और इतना से ऊपर है, राइट, अगर 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है या फिर इससे ऊपर है तो यहाँ पे ये जो है एक्शन लेना, मतलब ये वर्क करना स्टार्ट हो जाता है और इस पे हमको ध्यान देने की भी ज़रूरत है, राइट। एंड नियरली द हाफ ऑफ दिस चिल्ड्रेन लिव इन द साउथ एशिया। अगर हम लोग बात करें तो नियरली यहाँ पे जितने भी हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन है वो कहाँ पे रहते हैं, साउथ एशिया में, ठीक है। तो साउथ एशिया में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग भी चले जाते हैं, इंडिया भी साउथ एशिया में ही आपकी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। लेकिन हाउ लीड अफेक्ट द चिल्ड्रेन, कैसे लीड जो है वो चिल्ड्रेन को अफेक्ट करता है। पहला, लीड इज प्रोटेन्ड न्यूरोटॉक्सिन, राइट। आगे तो लीड जो है अगर हम लोग बात करेंगे, ओके, तो प्रोटेंड न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन मतलब आप बोल सकते हो कि ये एक ऐसा न्यूरोटॉक्सिन है, मतलब न्यूरोटॉक्सिन मतलब आप इसको बोल सकते हो यह एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन मतलब जो है जो नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए ये बहुत ही खतरनाक होता है। एंड जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग जो है अपूर्णीय है, मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो इरेपेरेबल। तो इरेपेरेबल मतलब ये होता है जैसे अपूर्णीय है, अपूर्णीय है, तो अपूर्णीय जो है यहाँ पे ये हार्मफुल करता है, मतलब ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली विकसित नहीं हो पाता है, इससे पहले ही ये वर्क क्षति पहुँचाता है। एंड इट इज पार्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव टू द बेबीज एंड द चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ द 5 एंड इट डैमेज देयर ब्रेन बिफोर दे हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू फुल्ली डेवलप एंड कॉजिंग देम लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड द फिजिकल इम्पेयरमेंट। इसके कारण क्या होता है कि बच्चों के ब्रेन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण उनका ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। और अगर ये जो है फुल्ली डेवलप होने से पहले ही ऐसा हो जाता है, ठीक है, राइट। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि यह विशेष रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं, कम उम्र के बच्चों और के लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि यह
उनके मस्तिष्क को पूरी तरह से विकसित होने से पूर्व ही क्षति पहुंचाता है। पूरी तरह विकसित हो गया तो उस समय कम क्षति पहुंचाएगा, लेकिन अगर पूरी तरह ब्रेन जो है विकसित होने से पहले ही उसको क्षति पहुंचाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है जो तंत्रिका तंत्र संबंधित होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो न्यूरोलॉजिकल हो गया या फिर कॉग्निटिक, मतलब कॉग्निटिक मतलब संज्ञानात्मक जो हो गया, या फिर अगर आप फिजिकल इम्पेयरमेंट के बारे में बात करें या फिर शारीरिक विकलांगता होने का भी संकट होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। थर्ड में ये है, चाइल्डहुड लीड एक्सपोजर हैज ऑल्सो बीन लिंक टू द मेंटल हेल्थ एंड द बिहेवियर प्रॉब्लम एंड एन इंक्रीज इन द क्राइम एंड वायलेंस। तो चाइल्डहुड लेड एक्सपोजर के कारण, ठीक है, बचपन में शीशा का जो है उसके बॉडी में अगर शीशा ज़्यादा है तो उसके कंडीशन उसके कारण जो है इसका गंभीर परिणाम भी हो सकता है, जिसके कारण उनका मेंटल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, जैसे वो क्राइम की तरफ ज़्यादा जाते हैं और उनका जो है व्यवहार संबंधी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, अपराध और हिंसा में वृद्धि होने से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग बात करें, अगर किसी के बॉडी में किसी का ब्रेन अगर अच्छे से विकसित नहीं किया तो उनका ब्रेन जो है बच्चों का ब्रेन वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, जिसके कारण वो क्राइम और वायलेंस की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, ओल्डर चिल्ड्रेन सफर द सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग द इंक्रीज रिस्क ऑफ द किडनी डैमेज एंड कार्डियो वैस्कुलर डिजीज इन द लेटर लाइफ, राइट। तो यहाँ पे ओल्डर जो चिल्ड्रेन होते हैं वो भी उनको भी बहुत बड़ा जो है परिणाम भुगतना पड़ता है, जैसे कि उनको जो किडनी का डैमेज का प्रॉब्लम हो गया या फिर जो हार्ट प्रॉब्लम हो गया, तो ये सारा प्रॉब्लम भी उनको देखना पड़ता है। अब ये जो है हाउ इट कॉस्ट कंट्रीज, कंट्रीज के लिए ये क्या है, मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसका आर्थिक क्षति क्या है। तो चाइल्डहुड लीड एक्सपोजर इज एस्टिमेटेड कॉस्ट लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्री ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट डॉलर $1 trillion ड्यू टू द लॉस्ट इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ दिस चिल्ड्रेन ओवर देयर लाइफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई भी कंट्री में अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो जो भी कॉस्ट लोअर कंट्रीज हैं या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं तो उनको लगभग $1 trillion का इस टाइप्स के प्रॉब्लम से $1 trillion का जो है वो आपको लॉस्ट इकोनॉमिकल लॉस भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द लेड पॉइजनिंग, तो इसके क्या क्या कारक हो सकते हैं, कैसे हो सकता है ये। पहला, इनफॉर्मल, फर्स्ट हम लोगों ने ये देख लिया, तो लगभग इतना $1 trillion जो है यहाँ पे पैसा जो है कॉस्ट आपका लॉस्ट हो सकता है। दूसरा, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, किस कारण से ये होता है। पहला, इनफॉर्मल एंड स्टैंडर्ड रिसाइकलिंग ऑफ द लीड एसिड बैटरीज, ठीक है। तो जो भी आपके लीड एसिड बैटरी हैं, अधिविक्त हैं, जो घटिया बैटरी का हम लोग जो यूज करते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, जैसे कि मोबाइल का बैटरी हो गया या फिर लेड बैटरी जो होता है वो आपका किस चीज़ में होता है, बैटरी जो हम लोग इन्वर्टर में यूज़ करते हैं, तो वो जो होता है वहाँ पे बोल सकते हो आप। दूसरा, इंक्रीज इन द व्हीकल ऑनरशिप एंड कंबाइंड विद द लैक ऑफ द व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग रेगुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इसके कारण भी होता है, जैसे वाहन बैटरी रिसाइकलिंग हो गया या फिर उसका जो है रिसाइकलिंग बोल लो या फिर आप उसको विनियमन बोल लो, विनियमन मतलब आप इस तरीके से ऑनरशिप बोल लो या फिर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं रिसाइकलिंग रेगुलेशन बोल रहे हैं, तो ये जो है और अवसंरचना के बिना वाहनों की बिक्री में वृद्धि, मतलब यहाँ पे रिसाइकल नहीं किया जा रहा है उसको, बिना संरचना पे फोकस किए हुए यहाँ पे इस पर भी ध्यान दिया नहीं जा रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। दूसरा, थर्ड में क्या है, आपका जो वर्कर्स इन द डेंजरस एंड ऑफन इलीगल रिसाइकलिंग ऑपरेशन ब्रेक द ओपन बैटरी केसेस स्पिल एसिड एंड द लिड डस्ट इन द सॉइल, तो वर्कर यहाँ पे जो अक्सर जो अवैध और ख़तरनाक जो रिसाइकलिंग कार्यों में लगे हुए हैं, वर्कर जो अप्रशिक्षित कारीगर हैं वो बैटरी को खुले में तोड़ते हैं, जिससे तेजाब और शीशे की धूल मिट्टी में मिल जाती है और अंततः जल स्रोतों में पहुंच जाती है, मतलब जहाँ पे जल होता है वहाँ पे पहुंच जाती है। तो सबसे पहले ये भी आपके लिए बहुत ही डेंजरस है, मतलब अगर आपको रिसाइकलिंग करना है तो उसको बैटरी को खुले में नहीं खोलना है, राइट। तो उसका जो भी शीशे की धूल होती है या फिर जो तेजाब होता है वो कहाँ पे चला जाता है, मिट्टी में, उसके थ्रू जो है वो वाटर में चला जाएगा, फिर वो आदमी के पेट में या फिर बच्चे के पेट में जा सकता है, राइट।
उसके बाद दे ऑल्सो स्मेल्ट इन द रिकवर इन द क्रूड ओपन एयर फर्नेस एंड द इमिट द टॉक्सिक फ्यूम्स एंड पॉइजनिंग एंड सराउंडिंग कम्युनिटी। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीस शीशे, जो भी बचे हुए जो शीशे होते हैं उसको कच्ची और खुली भट्टियों में गलाया जाता है और जिसके आसपास की हवा एक विषाक्त हो जाती है, तो इसके कारण भी जो है ये प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर इसमें हम लोगों को क्या क्या करना है, क्या क्या अपनाने की आवश्यकता है। पहला, एक कोऑर्डिनेटेड आपका जो होना चाहिए, पहला अ कोऑर्डिनेटेड कंसर्टेड अप्रोच अक्रॉस द फॉलोइंग एरियाज। जैसे बहुत सारे एरियाज जो हैं उसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग करना होगा, उचित निगरानी एंड रिपोर्टिंग करना होगा। दूसरे नेक्स्ट में होगा कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर, तो इसमें भी आपको फोकस करना होगा। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम करना होगा, नियंत्रण के उपाय करने होंगे कैसे इसको नियंत्रित किया जाए। मैनेजमेंट ट्रीटमेंट एंड रिमीडिएशंस मतलब जन जागरूकता। मैनेजमेंट मतलब अगर आप बात करो तो प्रबंधन, उपचार और रिमीडिएशंस आपको करना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जन जागरूकता, व्यवहार में परिवर्तन, ये सारा चीज़। जैसे कि जो कोई व्यक्ति अगर मान लो कि अगर इस टाइप का वर्क कर रहा है और फिर उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है तो मेरे को उसे बताना है, जिसके कारण ये भी हो सकता है। एंड देन आफ्टर सिक्स में अगर हम लोग बात करें लेजिस्लेशन एंड द पॉलिसी, कानून एंड नीतियाँ बनानी पड़ेगी। उसके बाद ग्लोबल एंड रीजनल एक्शन, जो ग्लोबल एंड रीजनल एक्शन होता है ठीक है उस पर लेना पड़ेगा। वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर इसके लिए कार्रवाई आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, तो इससे यही पता चलता है कि रिपोर्ट में संलग्न जो है इट इज़ अ क्लियर फ्रॉम द एविडेंस, तो इसके साक्ष्यों से ये स्पष्ट होता है कि शीशा जो है, जो लेड जो है वो पॉइजनिंग बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अब तक के लिए समझे जाने वाले खतरे से भी बहुत अधिक खतरनाक है। हम लोग जितना समझते थे उससे ज़्यादा भी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इससे क्या क्या हो सकता है। अब बच्चे का ब्रेन ही अगर अच्छे से विकसित नहीं होता है देन आफ्टर आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना बड़ा इशू है। इसके कारण बच्चे का फिर ये भी फिजिकल इम्पेयरमेंट्स हो सकता है, उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो सकता है, वो एक तरीके से उनका बिहेवियर चेंज आ सकता है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। एंड अभी जो है बहुत सारे ऑल दो द मच मोर रिसर्च नीड टू बी द कंडक्टेड, और भी बहुत सारे शोध किए जाने की आवश्यकता है, किंतु जो इनफ डाटा हैव रिसेंटली इमर्ज फॉर द डिसिसिव एक्शन टू बिगिन एंड इट मस्ट बिगिन नाउ। तो किंतु हालांकि निर्णायक कार्रवाई आरंभ करने के लिए जो है वो पर्याप्त आंकड़े मिल चुके हैं, लेकिन अब जो है कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आंकड़े मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है क्या करना है कि आपको ये सारे चीज़ पे फोकस करते रहना है ठीक है। अब यहाँ पे लेड इन द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ब्रेन, लीवर, किडनी एंड द बोन एंड इट इज स्टोर इन द टीथ एंड बोन्स वेयर इट एक्यूमुलेट ओवर द टाइम। तो मनुष्य के शरीर में शीशा, लेड जो होता है मस्तिष्क, यकृत, गुर्दे, हड्डियों में पाया जाता है, यह दांतों और हड्डियों में जमा होता है जहां यह समय के साथ इकट्ठा हो जाता है राइट। तो ये सारे चीज़ में अगर आपका लेड अगर ज़्यादा अगर बॉडी में जा रहा है तो वो कहां कहां जमा होगा, आप बोल सकते हो मस्तिष्क में जमा हो सकता है, यकृत में जो किडनी हो गया, बोन्स में, लीवर में, ये सारा चीज़ में आपका वहां पे जमा हो सकता है राइट। उसके बाद द लीज इन द बोन्स इज रिलीज इन टू द ब्लड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड बिकम अ सोर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ द डेवलपिंग द फोएटस। गर्भावस्था के दौरान हड्डियों में पाया जाने वाला शीशा रक्त में स्रावित होता है। जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो उस कंडीशन में जो ब्लड निकलता है तो उसमें जो होता है वो उसमें भी लेड होता है, जिससे विकासशील जो बच्चा होता है, जिसमें जो जो डेवलपिंग फोएटस होता है उसको शीशा संक्रमण का खतरा हो सकता है ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि हु हैज़ आइडेंटिफाइड द लीड एज वन ऑफ द 10 केमिकल मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। तो WHO ने इस चीज़ को क्या किया, WHO ने इसको सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रमुख 10 रसायनों में शीशे को शामिल कर दिया है। मतलब अगर पूरे विश्व में अगर 10 रासायनिक हैं जो हानिकारक है तो उसमें आपका एक आपका शीशा भी अवेलेबल है। WHO के अनुसार आप बोल सकते हो कि यहाँ पे शीशा युक्त पेट निर्माण की समाप्ति के लिए
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ वैश्विक गठबंधन किया है। तो यहाँ पे WHO ने ये भी ज्वाइन किया, आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है जो आपका वो भी ज्वाइन किया गया WHO के द्वारा, ठीक है राइट। तो ये आपका एंड यहाँ पे WHO भी इसमें ज्वाइन कर चुका है, किस चीज़ से, टू फॉर्म, और यहाँ पे ये भी बनाया गया है आपका ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट द लेड पेंट्स। तो यहाँ पे इसका भी एक जो है वो कार्यक्रम के साथ इसका वैश्विक गठबंधन हुआ है। तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन गाइस, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप इस फिगर से समझ सकते हो, ठीक है, ये फिगर पे दिया हुआ यंग चिल्ड्रेन, ठीक है, इसके बाद इन एडल्ट्स में आपका और प्रेग्नेंट वुमेन में भी प्रॉब्लम होता है। किस किस चीज़ में प्रॉब्लम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड्स, रिवर, किडनी, ब्रेन, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं जो मुला पेरियार डैम इशू है उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो प्ली जो आपका डाला गया है जिसमें वाटर लेवल जो मानसून के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर करने के लिए जो है, यहाँ पे किस चीज़ को कंसीडर करने के बारे में, यहाँ पे पेटिशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में मुला पेरियार डैम के बारे में, जो मानसून में 24 अगस्त को जो है यहाँ पे एक पेटिशन डाला गया था, जो वाटर लेवल उसमें डैम में बढ़ जाता है जिसके कारण आसपास के जो इलाका है वो डूब जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक पेटिशन डाला गया था, ठीक है। अब बैकग्राउंड में बात करें तो यहाँ पे ये पेटिशन वॉज फिल्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, एक व्यक्ति है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला से, टू द लोअर वाटर लेवल ऑफ द मुला पेरियार डैम, जो कहाँ पे रहते हैं मुला पेरियार डैम में, ये 130 फीट से, देयर इज अ डेंजर ऑफ द अर्थक्वेक एंड द फ्लड इन दैट एरिया। उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे फ्लड एंड अर्थक्वेक का डर जो होता है इस मानसून प्रोग्रेस के कारण इस स्टेट में। तो उन्हीं के द्वारा एक पेटिशन डाला गया था, वो कहाँ के रहने वाले हैं, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला के रहने वाले हैं। उन्होंने वहाँ पे जो वाटर लेवल बढ़ने के कारण उस डैम से वहाँ पे फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, जिसके बारे में उन्होंने एक पेटिशन डाला। व्हाट्स द इशू सराउंडिंग, यहाँ पे लीज एग्रीमेंट ये है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ दिन पहले जो है अगर हम लोग बात करें तो द लीज एग्रीमेंट वॉज रिन्यूड इन द 1970 बाई द बोथ द तमिलनाडु एंड केरला, गिविंग द फॉर्मर राइट टू द लैंड एंड द वाटर फ्रॉम द डैम एंड बिसाइड द अथॉरिटी टू डेवलप द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट द साइट एंड इन रिटर्न केरला वुड रिसीव द रेंट फ्रॉम द तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे लीज एग्रीमेंट जो है वो 1970 में रिन्यू किया गया, किसके किसके बीच में, तमिलनाडु और केरला के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे एक राइट दिया गया कि लैंड का राइट और वाटर का राइट डैम का, ठीक है। इसके अलावा जो अथॉरिटी ने एक हाइड्रो पावर डॉब जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे क्या किया, वो वहाँ पे उस साइड पे बनाया, इसके एवज में केरला जो है वो रिसीव करता है, तमिलनाडु से केरला को क्या मिलता है, रेंट मिलता है, पहला क्रैक। उसके बाद द फर्स्ट क्रैक इन द एग्रीमेंट सरफेस इन 1979, पहला क्रैक इसमें क्या आया 1979 में, जब एक माइनर अर्थक्वेक आया जिसके कारण ये डैम जो है वो क्रैक कर गया। क्रैक मतलब ये जो डैम था उसमें 1979 में जब एक छोटा सा माइनर अर्थक्वेक आया तो उसमें क्रैक हो गया। अब यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है, उसके अंडर आता है, उन्होंने एक स्टडी किया, स्टडी करने के बाद उन्होंने रिकमेंड किया कि लोडिंग और वाटर स्टोर्ड इन द डैम रिजर्वेयर टू 136 फीट फ्रॉम 142, राइट। तो उस समय जो है वहाँ पे उसका वाटर लेवल पहले था 142 फीट, मतलब वहाँ तक वाटर जो है वो स्टोर होता था, अब उसका वो वाटर लेवल रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 130 फीट, और ये एक डिफिनेटिव मेजर जो था वो आपका इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि तमिलनाडु एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको रेज कराया था डैम को फुल कैपेसिटी में 152 फीट तक, राइट ओके। अब तमिलनाडु क्या कहता है, तमिलनाडु ऐसा क्लेम करता है कि ऑल्दो इट हैज अंडरटेकिंग द मेजर टू द स्ट्रेंथन द डैम एंड द केरला गवर्नमेंट हैज ब्लॉक एनी अटेम्प्ट टू रेज द रिजर्वेयर वाटर लेवल रिजल्टिंग इन द लॉसेस ऑफ मदुरई फार्मर, राइट
ठीक है। तमिलनाडु का कहना ये है कि बांध को मजबूत करने के लिए उपाय किए जा चुके हैं, किंतु केरल सरकार क्या कर रहा है, केरल सरकार जलाशय के जल स्तर को बढ़ाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर रही है, जिसे में मदुरै के किसान को नुकसान हो रहा है। मतलब मदुरै जो है वहाँ का पे एक प्लेस है जिसके किसान को बहुत नुकसान हो रहा है, तो उसके बारे में भी वहाँ पे बात हो रही है। तो यही वहाँ पे तमिलनाडु कह रहे हैं। अब केरला का इसमें क्या आर्गुमेंट्स है, केरला ये बोलता है, केरला हाउएवर हाईलाइट द फियर ऑफ द डेवेस्टेशंस बाय द रेसिडेंट लिविंग द डाउन स्ट्रीम इन द अर्थक्वेक प्रोन एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इदुकी। केरला ये बोलता है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो डर है, उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग वहाँ पे इदुकी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, राइट, जो लो लाइंग एरिया में रहते हैं जहाँ पे फ्लड एंड अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए भी आपको सोचने की ज़रूरत है, राइट। और वैज्ञानिक का कहना ये है कि वैज्ञानिक हैव आर्ग्यू दैट इफ देयर इज एन अर्थक्वेक इन द रीजन मेजरिंग अबव द 6 ऑन द रिक्टर स्केल, सो द लाइफ ऑफ ओवर द 3 मिलियन पीपुल विल कम अंडर द ग्रेव डेंजर। उन्होंने ये बोला कि जो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर 6 रिक्टर स्केल के ऊपर अगर भूकंप आने पर 3 मिलियन से भी अधिक लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है, राइट। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ये आया कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को लीगल सेक्शन दिया कि वाटर लेवल जो है वो कहाँ तक रहेगा, 132 तक। उसके बाद इन रिस्पॉन्स केरला एमेंडेड 2003 द केरला इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट रिस्ट्रिक्टिंग द वाटर लेवल टू 136। उसके रिस्पॉन्स में केरला ने इस चीज़ का अमेंड कराया जो 2003 में हुआ था, उसमें क्या किया गया कि उसको जो है वाटर लेवल को 136 फीट तक ले जाया गया। उसके बाद फिर से 2012 में एपेक्स कोर्ट अपॉइंटेड द कमिटी स्टेटेड दैट डैम वॉज स्ट्रक्चरली एंड द हाइड्रोलॉजिकली सेफ। तो उन्होंने ये बताया कि 2012 में कि ये हाइड्रोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली जो है ये सेफ है, एंड द तमिलनाडु गवर्नमेंट कुड रेज द वाटर लेवल अप टू द 142 फीट। और उन्होंने ये बोला, जो एपेक्स कोर्ट है जो वहाँ पे उच्च न्यायालय है, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे 142 फीट तक वाटर लेवल जा सकता है। उसके बाद 2014 में फिर से एक और जो है कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट इवेन द स्ट्रक डाउन इन द अमेंडमेंट टू द 2003 केरला इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट कॉलिंग द इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे 2014 में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, किस चीज़ को, जो केरला इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट जो था उसको, ठीक है, जो अमेंड करके बनाया गया था 2003 में, तो इसको क्या कर दिया गया, इसको जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट ये भी डायरेक्ट कर चुका था कि जो सेंट्रल एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु टू सेट अप द 3 पैनल टू प्रिपेयर द कंटीजेंसी प्लान इन द केस ऑफ द डिजास्टर। मतलब यहाँ पे ये भी बोला गया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आपदा की स्थिति में निपटने के लिए केंद्र सरकार और तमिलनाडु एक तरीके से 3 पैनल बना ले, ठीक है, जिसमें जो आकस्मिक योजना को तैयार करने के लिए 3 पैनल बनाने की जो है वो घोषणा की गई थी, राइट। इसके बाद कंक्लूजन में बात करें तो कंक्लूजन में ये है कि यहाँ पे जो है एवरी ईयर आफ्टर दिस वर्डिक्ट द लेटेस्ट डेवलपमेंट शो दैट मुल्ला पेरियार डैम कंटिन्यू टू बी द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द केरला एंड द तमिलनाडु विद द मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑन द एवरी थिंग फ्रॉम द वेरासिटी ऑफ द 1886 एग्रीमेंट्स गवर्निंग इट्स यूज ऑफ द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल सेफ्टी। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक साल वर्डिक्ट के बाद जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये शो कर रहा है कि मेरी परियार डैम जो है वो आपका क्या है कि हमेशा रहता है किस चीज़ में, मतलब केरला और तमिलनाडु के बीच में विवाद की हड्डी बन चुकी है, ठीक है। और इसके बाद वर्ष 1886 के समझौते के बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें सत्यता को लेकर बांध की सुरक्षा, दूसरा जो है इसके उपयोग तथा नियंत्रण के संबंध से अलग अलग जो कई व्याख्या की जा रही है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे है। तो ये ऐसा कंक्लूजन आया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है आपका
मुला पेरियार डैम है केरला एंड तमिलनाडु इट्स मेट बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे ये जो है डैम है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, राइट। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। 114 किलोमीटर ये स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और बाकी का 534 स्क्वायर किलोमीटर आपका कहाँ पे पड़ता है, ये आपका पड़ेगा केरला में। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन। अब इसके बाद प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यंग साइंटिस्ट अवार्ड के बारे में। तो ये यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा है, CSIR के द्वारा। CSIR का फुल फॉर्म आप इसको बोल सकते हो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें जो है गिवन टू साइंटिस्ट वर्किंग इन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन CSIR के ट्यूशन में जो उनका अचीवमेंट है उसके लिए दिया जाएगा, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंसेस के हो, चाहे वो केमिकल साइंस के हो, चाहे वो अर्थ के हो, एटमॉस्फेयर साइंस के हो, ओशियन प्लेनेटरी साइंस के हो, इंजीनियरिंग साइंस के हो, चाहे वो फिजिकल साइंस के हो। तो ये सारे लोगों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो है इसके लिए अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड में क्या है कि एक सिटेशन से एंड कैश अवार्ड से आपको यहाँ पे 50,000 और एक प्लैक दिया जाएगा, राइट। तो ये सारा चीज़ें, ठीक है। तो इस पुरस्कार में अगर हम लोग बात करें तो एक प्रशस्ति पत्र है, सिटेशन मतलब आप इसको बोल सकते हो प्रशस्ति पत्र, राइट, प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र एक मिलेगा। दूसरा आपको क्या मिलेगा, 50,000 रुपीज का अमाउंट मिलेगा, साथ ही साथ एक पट्टिका प्रदान की जाती है, एक पट्टिका, पट्टिका प्रदान की जाती है। तो ये तीन चीज आपको मिलेगा, ठीक है। अगर गाइस अगर आप CSIR के किसी भी ब्रांच के अगर आप साइंटिस्ट हैं तो इसके बाद स्कॉच गोल्डन अवार्ड्स, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो अफेयर्स है उन्होंने क्या किया कि स्कॉट गोल्ड अवार्ड जो है उनके एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल थ्रू द IT इनेबल स्कॉलरशिप स्कीम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उनको दिया गया। अब यहाँ पर ये जो है स्कॉच अवार्ड कब मिला, स्कॉच अवार्ड जो है वो आपका है क्या, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो है 2003 में बनाया गया था, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन द कंट्री कन्फर्ड इन द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है एंड इट रिकॉग्नाइजेज द पीपल प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशन दैट गो द एक्स्ट्रा माइल टू मेक द इंडिया बेटर नेशन। तो यहाँ पे इंडिया को जो बेटर नेशन बनाने में जो लगे हुए लोग हैं तो उनको क्या किया जाता है, चाहे वो लोग हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, तो उनको यहाँ पे ये क्या दिया जा सकता है, यहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज करके ये स्कॉच अवार्ड दिया जा सकता है। ये अवार्ड्स जो है वो किस किस एरिया में दिया जा सकता है, आपका डिजिटल एरिया में, फिनंशियल में, सोशल इंक्लूसन में, गवर्नेंस में, इंक्लूसिव ग्रोथ में, एक्सीलेंस इन द टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, चेंज मैनेजमेंट, कॉरपोरेट लीडरशिप, कॉरपोरेट गवर्नमेंस एंड सिटीजनशिप, सिटीजन सर्विस डिलीवरी, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये सारे चीज़ में ये आपका दिया जाएगा। इसके बाद इट इज़ गिवन टू बोथ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को भी ये दिया जा सकता है और किसी एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। इसके बाद आज हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी सेतु। तो महात्मा गांधी सेतु है क्या, तो यहाँ पे एक ब्रिज है जो गंगा रिवर के ऊपर है बिहार में, और इंडिया ये कनेक्ट करता है पटना को साउथ हाजीपुर, पटना इन साउथ एंड टू द हाजीपुर इन द नॉर्थ। पटना को ये हाजीपुर से क्या करता है, ऐड करता है, और इसका लेंथ टोटल है 5,750 मीटर और ये आपका थर्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया में, राइट। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि वेस्टर्न प्लैंक ऑफ द महात्मा गांधी सेतु रीओपन फॉर द ट्रैफिक। तो यहाँ पे फिर से इसका जो है इसको खोल दिया गया है, तो इसके लिए यहाँ पे ये न्यूज में है, मतलब पश्चिमी किनारे जो है इसका, पश्चिम में जो किनारा था वो खोल दिया गया है, राइट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। तो ये आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है, मनाया जाएगा एंड इट कॉमरेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द लॉ अगेंस्ट द इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ऑफ द मुस्लिम वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑन द मैरिज एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
इसमें तीन तलाक को समाप्त करने के लिए मुस्लिम महिला विकास अधिकार संरक्षण अधिनियम कानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये भी आपका 1 अगस्त को ही लागू हुआ था। एंड इट वाज ऑन दिस डे लास्ट ईयर द बिल गॉट द प्रेसिडेंशियल नोट। ठीक है, तो यही एक मतलब पिछले वर्ष इसी दिन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे, मतलब इसमें जो है इस बिल पे जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था 1 अगस्त को ही, इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है। राइट, तो ये था कंप्लीट डिस्कशन जिसमें आज हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा का पूरा करेंट अफेयर, जो द हिंदू एंड पीआईबी का जो इम्पोर्टेंट था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया आपका किस चीज़ से रिलेटेड, आपका सारा चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, आपका प्रीलिम्स फैक्ट से भी जो क्वेश्चंस आपके आ सकते थे वो सारा चीज़ मैं बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग 2 अगस्त को जो है यहाँ पे करेंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।